खामोश। अरे वाह बाबूजी वाह, अरे अपन खाना खा लिया ना, देख पीछे बस्ता भी उठा लिया है। अरे अब मैं दौड़का हाई स्कूल में पढ़ूंगा, 6 पढ़ूंगा, अरे 7 पढ़ूंगा, 8वां 9वां 10वां और फिर मैट्रिक पढ़ूंगा। अरे उसके बाद क्या करूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या समझा नहीं समझा, सब समझ जाएगा। बउआ तेजस्वी, अरे कहिया जाओगे पढ़े, 5 साल के हो गया। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, देखिए कम से कम 2-3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है, तो ऐसे में अब उम्मीद इतना ज्यादा बढ़ गया है, भरोसा हो गया इनको कि बहन की शादी हो जाएगा। क्योंकि आसे बड़ा डर लागेला बाबा, कैसे जरी धिया सुकुमार ए बाबा। देखिए हमारे साथ अभी प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के जितेश सर हैं। सबसे पहले हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि कम से कम बिहार के अंदर जो रियल में टैलेंट है, यानी कि अभी आप देख सकते हैं दीपक रिक्शा वाले हैं और इनका रिक्शा है, यानी कि ये रिक्शा तो चलाते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे मिमिक्री भी करते हैं, बहुत सारे कलाकारों की एकदम से हुबहू आवाज निकालते हैं, तो इनके अंदर में जो है रियल में टैलेंट है। और इन सारी चीजों को आप लोग दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हालांकि ये झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे सवारी को बैठाते हैं जिनके पास जो है, अगर मान लीजिए कि भाड़ा 30 रुपया है लेकिन अगर वो 20 रुपया भी देते हैं तो ये मतलब वहां तक पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। लेकिन हम बहुत सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इन पर वीडियो बनाया, हालांकि जब से मनीष भैया ने वीडियो बनाया और उन्होंने मोबाइल भी दिए इनको, उसके बाद से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, तो अब इनको भी यकीन हो गया है कि इनकी जो बहन की शादी है वो हो जाएगा। क्योंकि ये बहन की शादी करने वाले हैं और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि गरीब हैं, ऐसे में उम्मीद है और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, तो लोगों से बस यही अपील है कि बस और भी लोग इनको मदद करते रहे। कहीं ना कहीं इनकी बहन की शादी जो है, लगता है कि 2 अक्टूबर या 2 दिसंबर का है और अभी उतना पैसा जमा नहीं हो पाया है, लेकिन अब उम्मीद बढ़ गया। अभी देखिए कम से कम 2-3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है, तो ऐसे में अब उम्मीद इतना ज्यादा बढ़ गया है, भरोसा हो गया इनको कि बहन की शादी हो जाएगा। क्योंकि देखिए सभी जो लोग आए हैं ना कुछ पैसे तो सब लोग दे रहे, जैसा कि मनीष भैया ने मदद किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया, हमसे भी जितना हो सका हमने देने का प्रयास किए। तो जैसा कि नेता मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, लगता है उन लोग अभी तक नहीं आए यहाँ पे। उन लोगों को क्या मतलब है गरीब से, गरीब मरे भूखे प्यासे, चाहे घर में शादी हो या ना, उसे क्या मतलब है। उन लोगों को राजनीति करने से फुर्सत मिलेगा तब ना यहाँ पर आएंगे। अब देखिए इनके अंदर रियल में टैलेंट है। यहाँ देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी के अंदर में टैलेंट नहीं होता है लेकिन हाथ में टैटू बनवा लेगा तो उसको मौका मिल जाएगा, लेकिन जिनके अंदर रियल में टैलेंट है ना उसको मौका नहीं मिलता है। तो हम उन सारी कलाकारों से कहना चाहेंगे भोजपुरी और बॉलीवुड के कि एक बार इस रिक्शा वाले को मौका दें, क्योंकि ये जो है 200 लगभग कलाकारों की मिमिक्री कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं और साथ साथ इतना मेहनत भी कर रहे हैं, तो अगर इनको फिल्म में मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि वो जो फिल्म है वो सुपरहिट करेगा। इनका दिल जैसा कि बहुत बड़ा है, जैसा हाँ। कि लोग बता रहे हैं कि ये जो कमाते हैं 300 अगर कमाते हैं तो 100 रुपया का कुत्तों को मतलब बिस्कुट खिला देते हैं। देखिए ये भले देखने में आपको गरीब दिख रहे हैं, साधारण सा कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये फेमस होने से पहले भी जब भी 200-400 रुपया कमा रहे थे उसमें से आधा जो रुपया है वो कुत्तों को खिला दे रहे थे। अब जरा सोचिए अगर इनके पास पैसा होता तो ये और सारे लोगों को भी मदद करता, और इनका कहना है कि अगर मैं जो है इनके पास ज्यादा अगर पैसा हो जाएगा तो ये बहुत सारे लोग मदद भी करेंगे। यूट्यूब चैनल भी बनाए, हालांकि मनीष भैया यूट्यूब चैनल भी बनवाए हैं, तो अब उम्मीद है कि यूट्यूब चैनल पर भी इनको बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि मतलब इनकी बहन की जो शादी हो सके, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट को दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग देखना पसंद करेंगे। बात बताइए क्या लग रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे रिक्शा वाले जिनकी बहन की शादी नहीं हुई होगी, ऐसे लोग चुन करके हम लोग सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मानिए अगर हम यहाँ पर एक आदमी का मदद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं का मदद करें, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास भी जाइए और उनको भी मदद कीजिए। और बिहार में खासकर देखा जाए तो हर चौक चौराहे पर मोहल्ले में आपको टैलेंट देखने को मौका मिल जाएगा, लेकिन बस उस टैलेंट को जो है मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है इन लोगों का जो उम्मीद है वो टूट जाता है। अब जरा सोचिए कि इतना ये टैलेंटेड है, इतना सारे मतलब ये कलाकारों की आवाज निकालना है, फिर भी इनको जो है फिल्म में होना चाहिए, लेकिन अभी रिक्शा चला रहे हैं। सवाल आपसे रहेगा
जिस तरह से अभी कोई वायरल कंटेंट होते हैं, वायरल टॉपिक होते हैं, उस पर सारे मीडिया कर्मी जाकर के वहाँ पे सवाल पूछते हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाकी जिनमें रियली में और भी जिनको जरूरत है लेकिन लोग उन तक नहीं जाते हैं? देखिए मेन बात है, इनके बारे में और भी दिन यहाँ पर रिक्शा चला रहे थे, 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन अभी ये फेमस क्यों हुए हैं? क्योंकि देखा जाए तो मतलब बहुत सारे मीडिया वाले भी हैं, चाहते हैं दिखाना लेकिन वो ऐसा दिख नहीं पाते हैं। हमारे पास भी वो मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब मैंने यहाँ पर कल आया था ना, तो कल इनका कहना था कि ये मेरा चैनल का जो अबाउट है वहाँ पर नंबर जाके ढूंढ रहे थे, तो शायद हमें न्यूज वाले मिल जाए जिसके कारण जो है हमारे अंदर जो कला है उसको दिखा सके। लेकिन संजोग से मनीष भैया आ गए और वीडियो वायरल हो गया और ये स्टार बन गया बहुत सारे लोग। हालांकि बिहार में इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, तो उनको भी दिखाना जरूरी है। मुझे तो यही लगता है कि ये सारे टैलेंट धरातल पे ही रह जाते हैं, वो स्टेज पर नहीं दिखाया जाता, ना ही किसी इंडस्ट्री में बुलाया जाता है। हाँ ये तो बात है, मेन बात यह है ना कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में बहुत सारे टैलेंट है लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता है, तो उम्मीद तो टूट जाएगा ना। अब जरा सोचिए कि जिनके अंदर टैलेंट नहीं है उनको फिल्मों में मौका मिल जाता। अभी भी हमारे एक बात कहना चाहेंगे, एक सिंगर है, एक लड़की है पटना की, वो बहुत अच्छा गाना गाती है पिछले 5-6 सालों से, लेकिन उसको अभी तक कहीं मौका नहीं मिला है। एक समस्तीपुर के आप लड़की को देखे होंगे जिसको मौका नहीं मिला, उसका भी उम्मीद टूट गया। तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है, गाना अच्छे गाते हैं, लेकिन जब मौका नहीं मिलता है तो जो उम्मीद है वो टूट जाता है, और ऐसे में क्या करेंगे? रिक्शा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे इसके अलावा? जैसा कभी ट्रेंडिंग में तभी चल रहे हैं, इनको जान रहे हैं, जब तक दिखाना बंद कर देंगे लोग कभी। जितेश सर, आपका आपसे एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर मीडिया लोग इनका काफी बात मतलब इनको दिखाए हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गए, तो क्या लगता है इसके बाद इनको एक पहचान मिलेगी, इनको जो मुकाम चाहिए वो मिलेगी? मुझे तो लगता है कि वायरल हुए हैं और इसके बाद बहुत सारे लोग इनके लिए आगे आ रहे हैं, और मनीष भैया ने भी कहा है कि इनकी बहन की शादी के समय वो 51,000 रुपये देंगे। अगर बहुत सारे लोग जो हैं इनके लिए आगे आते हैं, लोग पैसे देते हैं, तो शायद इनकी बहन की जो शादी है वो अच्छी से हो सकेगी। और इनका यह भी कहना है कि दहेज मतलब वो वाला काम नहीं होगा, दहेज वाला, बिना दहेज का शादी होगा, तो ऐसे में इनका दिल भी बहुत बड़ा है। भले ये गरीब है लेकिन इन्होंने कहा है कि पूरे बिहारियों को हम बुलाएंगे। अब जरा सोचिए, भले इनके पास सक्षम नहीं है सभी लोगों को मतलब खिलाने में, लेकिन फिर भी कम से कम पूछ तो रहे हैं ना, दिल तो इतना बड़ा है ना। लग रहा है कि दहेज को बिना दहेज के शादी हो पाएगा, या जितने भी मीडिया कर्मी अभी हम लोग साथ में खड़े हैं, मुझे लगता है कि शायद कोई नेता होता है जिन्होंने ये बात को मतलब ये बात बोले हैं कि बिना दहेज का शादी होगा, कोई बोला है नेता? हाँ शायद, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बोला है शायद कि शादी इनका होगा, इनकी जो बहन है। तो खैर हम कहना चाहेंगे, हालांकि बिहार तो है दहेज मुक्त है लेकिन यहाँ अभी भी दहेज लिया जाता है, वो बात ये बात सच है कि नेता लोग का बात एक स्टूडियो और एक बस क्या एक रिपोर्टर तक ही रहता है, टेलीविजन पे ही रहता है, वो धरातल पे उतरता ही नहीं है। वही बात है ना, जमीनी हकीकत पर वो लोग जाएगा तो ना। देखिए अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो समाज सुधार अभियान शुरुआत किए थे, अब जरा सोचिए कि एक तरफ समाज सुधार अभियान चला रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ दहेज के कारण किसी लड़की की जान चली जाती है, यहाँ तक कि बहुत सारे लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में दहेज तो मुक्त है, दहेजबंदी है, लेकिन अभी भी दहेज लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इनके लिए बहुत सारे लोग सामने आए, और भी बहुत सारे लोग हैं, यही नहीं है, और भी बिहार में बहुत सारे टैलेंट है, तो उनको भी मदद मिलना चाहिए। जैसा कि अभी मैं रिक्शा वालों से बात भी किया तो उन लोग भी बोले कि अगर ये दीपक रिक्शा वाला तो फेमस हो गए तो इनको भी सब लग गए हैं, लेकिन हम लोग को कौन देखेगा? नहीं नहीं, उनको भी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2-4 रिपोर्टर यहाँ के दिखा रहे हैं, तो और भी तो बहुत सारे न्यूज वाले हैं ना, वो जाके किसी और को दिखाएं, किसी और के अंदर टैलेंट है तो उसको जाके दिखाएं, तो ऐसे अगर सभी लोग प्रयास करेंगे तो बिहार के तकबीर और तस्वीर जो है वो जल्दी बदल सकता है, दोनों बदल जाएगा, जैसा कि इनका बदल गया है, और भी बहुत सारे लोग अगर उनके लिए सभी लोग मदद करते हैं, सामने आते हैं, तो उनका भी जो तकदीर और तस्वीर है वो बदल जाएगा। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो सिर्फ व्यू लेने के चक्कर में आते हैं और व्यू लेकर चले जाते हैं, इनको कुछ मदद नहीं करते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब देखिए मेन बात ये होता है ना कि बहुत सारे चैनल वाले हैं उनका खुद का नहीं होता है, कंपनी होता है, यानी किसी के अंदर में होते हैं, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि उस कंपनी के जो ओनर है उनसे हम जरूर अपील करेंगे कि अगर आप रिक्शा वाले के पास आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो मिलियन जा रहा है, तो उसमें से कुछ परसेंट जो रेवेन्यू है इनको जरूर दे। क्योंकि कहूंगा कि जबरदस्ती मदद दिल कोई ले नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर कि जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, आपको एक बात और बताता हूँ, व्यूज सबका, आप भी व्यूज के लिए आए, सब कोई व्यूज के लिए आता है, हम भी व्यूज के लिए आए हैं, जितने भी लोग आते हैं व्यूज के लिए आते हैं, मदद वो उनका व्यक्तिगत, हर कोई चाहता है कि हम जाके वीडियो बनाए हमें टीआरपी मिले, लेकिन हमारे टीआरपी के साथ साथ अगर किसी को मौका मिल रहा है, कोई स्टार बन जा रहा है, किसी को मदद किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना। क्या अब मान लीजिए बिना टीआरपी के लिए आप भी आए हैं, टीआरपी के लिए हम भी आए हैं, टीआरपी के लिए, तो हमारा टीआरपी मिलेगा और इनको मदद कर रहा हूं सर, लोगों से ये
किसी को मतलब पर्सनली कह नहीं रहा, फील कर रहा हूँ लोगों से। मैं बताता हूँ आपको, जब इनको सपोर्ट में मनीष भैया उतरे तभी ना कुछ मदद मिला। नितेश जी एक बात बताइए, जब मनीष भैया आकर इस पे उतरे और दिखाए और बहुत सारे मीडिया भी आया तो काफी सहयोग भी मिला। मनीष भैया के पहले भी बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे, वो भी दिखाए, लेकिन मनीष भैया जिस तरीके से यहाँ पर अचानक पहुंचे और इनको मोबाइल भी दिए, पैसे भी दिए और भी बहुत सारे मदद करने का उन्होंने वादा किया है, तो बाकी लोग भी जो है अब सपोर्ट में आ रहे हैं, अब लग रहा है कि शादी हो जाएगा, तो ऐसे में और भी लोग हैं उनके लिए भी मदद कर रहा होना चाहिए। चलिए मेरे साथ देख रहे थे, जैसे कल मीडिया वालों को बदनाम किया जाता है, बोलते हैं कि मीडिया वाले होते हैं जो, कुछ मीडिया वालों को बहुत बदनामी भी हो रही है, जैसे कि मनीष भैया तो साबित कर दिए कि देखिए आजकल भी आज भी मीडिया मतलब जीवित है, कहीं ना कहीं जीवित है, तब ना यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं। और देखिए मीडिया में बहुत सारे सही लोग भी हैं और बहुत हर चीज में, देखिए एक सिक्का का दो पहलू होता है, हर चीज सही नहीं हुआ। हालांकि अभी के समय में बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिनको बोलने तक नहीं आ रहा है, वो माइक उठा रहे हैं, तो ये गलत है। आप रजिस्टर करा लीजिए ना, मतलब ये इन सारी चीजों को कराइएगा तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छी चीजों को भी दिखाने का प्रयास किया, जरूरी नहीं है कि हम निगेटिव को ही लगातार दिखाएं, अगर कमी देखना हो तो इनके अंदर भी हम 10 कमी को खोज सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी तो है ना, तो अच्छाई चीजों को भी दिखाने का प्रयास कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अच्छी चीजों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बात करके अच्छा लगा अभी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जो जिनके अंदर रियल में टैलेंट है उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बस ऐसे ही बिहार में और भी ग्रेजुएट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ग्रेजुएट के बारे में आपके बारे में मैं यही कहना चाहते हैं, कम से कम आप जमीन पर उतर रहे हैं, जमीनी हकीकत को दिखा रहे हैं, रियलिटी को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही आप लगे रहिए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग, छात्रों की जो समस्या होता है, किसानों की जो समस्या होता है, इन सारी चीजों को दिखाने का प्रयास कीजिए। चलिए जैसा कि दिखा दीजिए, इधर अखबार इधर देखिए, अभी लोगों की काफी भीड़ लगी हुई रहती है, और इधर देखिए मान लिया मिथुन चक्रवर्ती स्कूल नहीं जा रहा है और उसका बाप पृथ्वीराज कपूर जबरदस्ती कर रहा है कि जाओ जाओ जाओ, अब बाप बेटा में क्या बात होगा, पृथ्वीराज कपूर कैसे कहेगा? अरे जौनी, जानता हूँ कि लोग तुझे जौनी जौनी कहता है, अरे दिन भर गलियों में जौनी जौनी करते हो, आखिर ये बताओ कि मिलर हाई स्कूल यानी कि दौर का हाई स्कूल पढ़ने कब जाओगे? मिथुन चक्रवर्ती कहेगा, अरे वाह खामोश, अरे वाह बाबू जी वाह, अरे अपन खाना खा लिया ना, देख पीछे बस्ता भी उठा लिया है, अरे अब मैं दौर का हाई स्कूल में पढ़ूंगा, 6 पढ़ूंगा और 7 पढ़ूंगा, 8वां 9वां 10वां और फिर मैट्रिक पढ़ूंगा, अरे उसके बाद क्या करूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्या समझा नहीं समझा सब समझ जाएगा। और जैसे कि अभी बहुत देख रहे हैं कि आप 8वीं पास है और इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश बोल के दिखाइए। अच्छा सवाल, डेमोक्रेसी पे कुछ बोल के दिखाइए। हाँ, डेमोक्रेसी पर बोला जाए तो मैं इसको राजा मुराद की आवाज में बोलने की कोशिश करूंगा, शायद देखिए बहुत थके हुए हैं। डेमोक्रेसी द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार है। मैं राजा मुराद आज ही पटना में ही रहता हूँ। जय हिंद जय भारत। आप देखिए कि आप कभी सोचे थे कि आप अभी इतना पूरा सुर्खियों में आ जाएंगे कभी? ये आप ही का तो प्यार है। नहीं, हमारे मनीष भैया, मनीष का भैया का, मनीष भैया तो सबके भैया, सारे हिंदुस्तान के भैया। मनीष कैसे भैया को भी आज बदनाम करने का कोशिश किया जाता है? देखिए बुराई एक अपनी जगह चीज है, बुराई तो लोग मेरी भी करते हैं, मैं बुराई के बारे में नहीं देखता, मैं अच्छाई देखता हूँ, मैं बुराई को नहीं देखता। आप मनीष कैसे भैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लव किया कीजिए, नफरत मत किया कीजिए। वो सुन गाना सुनेगा राजेश खन्ना का, मैं गाना चाहूंगा एक लाइन, वो क्या गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया वाले बहसी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी किसी में बुराई मत निकाला कीजिए, सबसे प्यार किया कीजिए, क्या प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार में तो इतना ताकत होता है कि आप सब, उदाहरण तो बहुत है, रोमियो जूलियट लैला मजनू वगैरह वगैरह। दहेज वाला गाना एक सुना दीजिए, जो गा रहे हैं दहेज वाला, गाते गाते तो गाते 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 तो थक चुके हैं, कोशिश करेंगे। अरे अगिया से बड़ा डर लागेला बाबा,
कैसे जरी धिया सुकुमार ए बाबा। अच्छा सब लोग आपके लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं, लोग के लिए आप क्या करना चाहिएगा? लोग के लिए तो मैं दिल खोल दिया हनुमान जी को। हनुमान जी जब फाड़ते हैं गाना सुने होंगे, हनुमान जी जब सीना सीना फाड़ के और राम जी को और लक्ष्मण जी सीता जी को समाया हुआ है, उसी तरह मैं सीना फाड़ता हूँ पूरा इंडिया। तेजस्वी जी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लालू जी बोल रहे हैं कि स्कूल जाओ, तो लालू जी क्या कहेंगे, तेजस्वी जी क्या कहेंगे? अरे बउआ तेजस्वी, अरे कहिया जाओगे पढ़े, 5 साल के हो गया है नहीं पढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? तेजस्वी जी मैं तो स्कूल जाऊंगा, मैं तो स्कूल जाऊंगा, मैंने अपना बस्ता पीछे लाद लिया है, अब किसकी सोच किस प्रकार होगी मैं बताऊंगा। अरे खाली बकवास करोगे कि स्कूल जाओगे, जा पढ़े, और देखो पढ़ते पढ़ते हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अरे लागल लागल झुलनिया में ढक्का कि गौतम भाई पहुंच गए, आर आर बोलो। यूट्यूब चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबको प्यार भरा नमस्कार देना चाहता हूं। और आपका यूट्यूब चैनल के बारे में क्या नाम है चैनल का? वही रहुआ रिक्शा वाला। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इनका यूट्यूब चैनल है रहुआ रिक्शा वाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी सपोर्ट हो उनको सपोर्ट कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।